नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी और जुमे का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान शकील लाइज। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में एक अहम खबर पेश करें। नादरीन, जेल भरो तहरीक एक जग हंसाई का सबब बन रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो तीन रहनुमा थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, वो रो रो कर बेहाल हो गए हैं और उन्होंने अपने वर्सा से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्तें दे ताकि उनकी रिहाई हो सके। इमरान खान की पार्टी के रहनुमा किसी जेल की गाड़ी में या पुलिस की गाड़ी में सवार होकर फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो चंद कदम के बाद उतर जाते हैं। ये तमाशा वो है जो पूरा पाकिस्तान की आवाम देख रही है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। फयाज़ुल हसन चौहान एक जगह से पुलिस की गाड़ी में बैठे और कोई 100 गज़ के बाद उतर गए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है जेल जाने का। तो इस पर पाकिस्तान की जो आज़ाद मीडिया, उन्होंने शदीद तनकीद की है और अब पीटीआई के मरकज़ी रहनुमाओं ने इमरान खान पर दबाव बढ़ाना शुरू किया था कि ये तमाशा बंद करें, ये ऐसा ना करें। इसे हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई चीज़ हो भी रही है तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका अज खुद नोटिस लिया है और इनमें अक्सर जो जज हैं उनका जो रवैया है या उनकी पॉलिसी है या उनका थोड़ा झुकाव है वो सीधा साधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लिहाजा पीटीआई की क्यादत को इसका यकीन है कि जिस मकसद के लिए वो जेल भरो तहरीक कर रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इंतखाबात हों, सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच इसके अक्सर जज इसके हक में फैसला दे देंगे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाए और ये जेल भरो तहरीक का तमाशा अब बंद होना चाहिए। और अब इमरान खान के जो है वो एक उनको इस तरीके से पेशेमानी का सामना है, वो परेशान है क्योंकि सिर्फ असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक के अलावा कोई ऐसा रहनुमा नहीं गया। सिंध से इतने बड़े भड़के मारने वाले लीडर थे, वो सारे खामोश होकर बैठ गए। खैबर पख्तूनख्वा में रोजाना एक नई कहानियां सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि जेल की गाड़ियां देखते ही वो भाग जाते हैं। पुलिस को ऐलान करना पड़ता है लाउड पर के जिनको जेल में आना है वो मेहरबानी करें गाड़ी में सवार है ताकि उनको सवार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। लेकिन उनके जो पीटीआई कारकुन हैं या अहम रहनुमा हैं वो भाग जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीखी एक अनोखी और एक जगहसाई वाली जो है वो तहरीक है जिसकी इब्तदाई एक तमाशे से और मजाक से शुरू होता है, उसका अंजाम भी इसी तरह तमाशे के साथ ख़त्म होगा। और इमरान खान के लिए अब इसके बाद कौन सा नया तमाशा होगा वो पाकिस्तान के अवाम देख लेंगे, लेकिन जेल भरो तहरीक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। और अब जो पार्टी रहनुमाओं का दबा है, देखते हैं कि इमरान खान इस पर क्या फैसला करते हैं। नादरीन, दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ने इस बार में सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती है जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई तारीख दे सकती है, इसका बहुत बड़ा इम्कान है, तो वफाकी हुकूमत ने सोचा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो उसे मनो अन उस पर अमल किया जाएगा, उसकी कोई उसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी, उसमें कोई अपील या नज़रसानी अपील के लिए नहीं जाया जाएगा और इंतखाबात करने दिए जाएंगे। इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल होगी वो देखी जाएगी, क्योंकि आईन इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी हुकूमत चाहे सूबाई हो या वफाकी हो वो अगर एक काबीना ही उसकी इजाज़त दे दे तो उसकी इंतखाबात 1 साल के लिए मुलतवी हो सकते हैं, उसका आईन अख्तियार देता है, आईन इजाज़त देता है। तो लिहाजा वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद मुमकिन है कि वो इस तरह की कौमी असम्बली से और सूबाई सेनेट से और वफाकी काबीना से ये करारदाद मंजूर कराए, तहरीक मंजूर कराए कि आम इंतखाबात 2023 के बजाय 2024 में कराए जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं उनकी भले वो मुंतखब हो गए लेकिन मौजूदा वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत वो 2024 तक चल सकती हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद वफाकी हुकूमत अपनी नई पॉलिसी का ऐलान करेगी। नादरीन, ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग। हम आपसे फिर गुजारिश करते हैं बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको खबर मिल सके। शुक्रिया।